हेलो फूडीज, आई एम शुभ्रा। स्वागत है आपका मेरे चैनल सैलड एंड फूड बाय शुभ्रा में। आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल उड़द दाल मसाला वड़ी। इस मसाले वड़ी को किसी भी सब्जी, दाल या फिर पुलाव के तड़के के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यदि इस वड़ी को गर्मी के सीज़न में बनाया जाए तो ये बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाती है और आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके सालों साल यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं ट्रेडिशनल उड़द दाल मसाला वड़ी, जो कि बहुत टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है। इसे बनाने के लिए एक बाउल में ऐड करेंगे 2 कप्स उड़द दाल और इसे वॉश कर लेंगे। सोक करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे पानी, और पानी आपको जितना चाहिए आप उतना ऐड कर सकते हैं। यूजुअली पानी इसमें 3 गुना ऐड किया जाता है। अब इसे भीगने के लिए 4 घंटे रख देंगे। उड़द दाल भीग जाने के बाद कुछ इस तरह से हम छन्नी से पिकअप करके उसे ऐड कर लेंगे ग्राइंडिंग जार में। ऐसा करने से दाल में एक्स्ट्रा पानी नहीं आएगा। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे कोरस। मैंने फ्यू सेकेंड्स ही इसे ग्राइंड किया है और ये बहुत ही अच्छा दरदरा यानी कि कोरस ग्राइंड हुआ है। सारी दाल ग्राइंड कर लेने के बाद हम इसे बाउल में ऐसे ढक के रख देंगे और ओवरनाइट फर्मेंट होने देंगे। अब देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है, तो चेक करते हैं कि कैसे फर्मेंट हुआ है। वाह, बहुत ही अच्छा फर्मेंट हो गया है, ये काफ़ी अच्छी तरह से फूल गया है। ऐसे दाल फर्मेंट हुई हो तो उसकी वड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। अब दाल में ऐड करेंगे 1/2 कप गरम मसाला, 1/2 कप चिली फ्लेक्स, 1/4 कप क्रस्ट ब्लैक पेपर, 1/4 कप ड्राइड पम्पकिन सीड्स, 1/4 कप क्यूमिन सीड्स, 1/2 टेबल स्पून हींग। अब मसालों को हम दाल में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो ये बहुत स्पाइसी है, लेकिन आपको ज़्यादा स्पाइसी बनाना है तो ऐड कीजिए 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। मिक्स कर लेने के बाद रेड चिली पाउडर ऐड करने से इसकी रंगत भी बदल जाएगी और ज़्यादा स्पाइसी भी लगेगा। तो चलिए बनाते हैं वड़ी। एक प्लास्टिक शीट लीजिए और हाथों में थोड़ा सा पानी लगाते हुए वड़ी का थोड़ा मटेरियल लेते हुए ऐसे वड़ी बना लीजिए। वड़ी आप छोटी छोटी ही बनाइए, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, तो बहुत अच्छी बनती है और जल्दी ड्राई हो जाती है। बहुत ही आसान है वड़ी बनाना, बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगी। आप जब बनाएंगे ना तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा। और घर में बनाई हुई चीज़ की बात ही कुछ और होती है। लीजिए, बातों बातों में तो हमारी वड़ी बन के तैयार हो गई है। मैंने तो इसे प्लेटर पे रख के बनाया है, तो मैं इसे डायरेक्टली टेरेस गार्डन पे लेके जा रही हूँ। वैसे अपनी छत पर डायरेक्ट प्लास्टिक सीट स्प्रेड कीजिए और बना लीजिए। इसे धूप में सुखाना है। यदि वड़ी को डायरेक्ट सनलाइट मिले तो ये बहुत अच्छे से सूख जाएगी। और जब हम इन गर्मियों में वड़ियाँ बनाते हैं ना, तो बहुत जल्दी सूख जाती है और बहुत अच्छी क्रिस्पी क्रिस्पी बनती है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और छुट्टियों के टाइम पे तो सब घर पे होते हैं, तो आसान होता है बनाना सबके साथ। 1 से 2 दिन के बाद हम वड़ी पलट लेंगे, थोड़ी सूख गई है ये, और इसे 4 से 5 दिन सूखने देंगे। पूरे 1 हफ्ते तक वड़ी सूखने देंगे। अब देखिए कितनी आसानी से ये टूट जा रही है, कितनी सॉफ्ट है, क्रिस्पी है। आप इसे ऐसे ही तोड़ लीजिए या फिर खलबट्टे में हल्का सा दरदरा कूट लीजिए। दरदरा कूट लेने के बाद अब इसका 6 कप आप किसी भी दाल में या सब्जी में लगा सकते हैं। एक और दूसरा तरीका है कि वड़ी को आप पानी में भिगा लीजिए। थोड़ी देर भीगने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और जस्ट हल्का सा मैश कीजिए, ये देखिए एकदम से दरदरी सी हो गई है। बस इसका भी आप डायरेक्ट तड़का लगा सकते हैं, छौंक लगा सकते हैं किसी भी सब्जी में, दाल में या पुलाव के लिए। तो जस्ट इसे ऐसे रोस्ट कर लेना है और दूसरी सब्जियां जो भी है,
गार्लिक चिलीज आप ऐड कीजिए और ये इसको अच्छे से भून लेने के बाद जो भी सब्जी आप डालना चाहते हैं, जो भी सब्जी बनाना चाहते हैं उसको डाल दीजिए और पका लीजिए। उड़द दाल मसाला वड़ी का टेस्ट और फ्लेवर किसी भी सब्जी दाल में बहुत ही अच्छा आता है। नॉर्थ इंडिया स्पेशल निमोना जो बनता है उसमें तड़का वड़ी का ही लगाया जाता है और जो पम्पकिन दाल यानी कुम्भड़े वाली जो दाल बनती है उसमें तड़का उड़द दाल मसाला वड़ी का ही लगाया जाता है। तुरई की सब्जी हो तो यदि आपने वड़ी का तड़का लगाकर बनाया हो तो बहुत ही टेस्टी लगती है और ये तो मसालेदार वड़ी है तो इसका तीखापन फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वड़ी से तड़के के बाद और भी दूसरे मसाले सब्जी में जो लगते हैं वो ऐड कीजिए। कम्प्लीटली जो सब्जी बनके तैयार होगी वो बहुत ही मज़ेदार बनती है। उड़द दाल मसाला वड़ी बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है। ईट एंड एन्जॉय। अगर आपको ट्रेडिशनल उड़द दाल मसाला वड़ी पसंद आई है तो मेरे चैनल सैलड एंड फूड बाय शुभ्रा को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। ऐसे ही मैं कुछ अपनी नानी दादी से सीखी हुई रेसिपी का भी आइडिया आपके लिए लेके आती रहूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट रेसिपी।